हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। ये मशीन पे आए हम, इसमें प्रॉब्लम है, इसका बूम नहीं उठा रहा। दिखाता हूँ अभी आपको, करके थोड़ा पीछे जा, सारा कुछ दिखा। अब देखो मशीन स्टार्ट करता हूँ मैं जी, लॉकर ऑन कर दिया। इसके सारे फंक्शन चल रहे हैं, मशीन भी कोई पुरानी नहीं है। अभी मशीन हमारी सिर्फ और सिर्फ 4-5 घंटे चली है जी। नई ब्रांड न्यू मशीन है, सभी फंक्शन सही काम कर रहे हैं, लेकिन इसका बूम जब उठाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल नहीं उठ रहा। तो अभी चेक करते हैं जी, आके दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर फाइनल बताएंगे क्या प्रॉब्लम थी और कैसे सॉल्व की। ओके जी, ये जी होल्डिंग वाल, बूम होल्डिंग वाल विद स्पूल कैप। स्पूल का ये जो स्पूल है, इनके कैप अलग अलग दिख रहे हैं। देखो इसके जो होते हैं कंबाइंड है, स्पूल का कैप भी यही है, होल्डिंग वाल का कैप भी यही है। ऐसे ही ये आर्म का है, किसी दिन फुर्सत से बताएंगे जी इसमें इनका काम क्या होता है, कैसे कैसे काम करते हैं। अभी जरा इसको देखते हैं सिर्फ खोल के, इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है जिसके करके हमारा बूम फंक्शन नहीं कर रहा। कभी भी बूम होल्डिंग वाल्व खोलना भाई साहब, बूम आरम बकट सब कुछ ज़मीन पर होना चाहिए, वो भी इस पोजीशन में, ऐसे ऐसे करके नहीं, कई बार भी घूम जाती हैं चीज़ें, तो हमेशा इस पोजीशन में होना चाहिए जैसे हमारी मशीन रखी है, नहीं तो कई बार बड़ा तकड़ा नुकसान हो जाता है। ये है जी स्पूल बूम का, एक ये वाला भी स्पूल बूम का होता है। बूम के दो स्पूल होते हैं, ये आर्म का स्पूल है और ये वाला भी, ये दो आर्म के स्पूल होते हैं बड़ी मशीनों में, छोटी में एक ही होता है। अभी हम स्पूल चेक करने लगे हैं, हमारा दिक्कत तो नहीं दिख रहा, लग रहा है मेरे को इसमें कुछ है दिक्कत, क्योंकि ये बाहर ही नहीं आने का नाम ले रहा। तो दोस्तों ये है जी बूम का स्पूल, यहाँ लगा होता है होल्डिंग वाल, वो हम खोल चुके हैं, ये रखा हुआ इधर। तो अभी इस स्पूल को हाथ से बाहर आना चाहिए था, मैं खींच रहा हूँ बाहर नहीं आ रहा, तो मुझे डाउट है कि स्पूल में स्क्रैच ना हो या कुछ ना हो दिक्कत। तो एक और दिक्कत होती है, स्पूल कई बार बाहर क्यों नहीं आता, जैसा कैप ये ऊपर लगे हुए हैं ऐसे ही नीचे कैप लगा होता है, अगर नीचे से हवा नहीं जाएगी तब भी स्पूल कई बार बाहर नहीं आता। तो अभी हमने नीचे की प्लेट खोली है, फिर नीचे का पाइप खोलते हैं, उस पाइप को खोलने के बाद अगर फिर भी स्पूल बाहर नहीं आ रहा इजीली, इसका मतलब स्पूल कहीं ना कहीं फंस रहा है, कोई दिक्कत है। तो अभी पाइप खोलते हैं नीचे की, उसके बाद इसको निकालने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये है जी हमारा बूम का स्पूल, ये हमने बाहर निकाल लिया और शायद हमने परेशानी हमारी जो दिक्कत है पकड़ लिया। अभी देखने को आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद दिखेगा कि नहीं। ये देखो आप लोगों को यहाँ पर कुछ दिख रहा है मेटल टाइप, ये मेरी उंगली नहीं जा पा रही वहाँ बिल्कुल, अभी और जूम करके दिखाता हूँ शायद दिखे। ये देखो ये इस जगह पर, देखा कितना छोटा सा ये मेटल का टुकड़ा टूट गया, ये वाला। इसके कारण से स्पूल हमारा ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, तो हमने सही समय पे इसको खोल लिया, नहीं तो ये चलता अगर 1-2 घंटे सारे स्पूल में स्क्रैच पड़ जाने थे। अभी हमारा स्पूल कहीं से भी स्क्रैच नहीं है, पूरा का पूरा अच्छा पड़ा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो अभी इसको मैं किसी तरीके से, जो मेटल का टुकड़ा इसमें दिख रहा है
ये वाला को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो है यहाँ अभी इसमें रोशनी नहीं आ रही, कोशिश मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से दिख जाए। ये जो टाइनी सी जगह ना, ये जो टूटा हुआ है ये फंसा रहा है और इसके कारण स्पूल नहीं चल रहा। अभी इसको रिमूव करके किसी तरीके से दोबारा से सारा कुछ साफ करके तरीके से कंट्रोल से धो के तो सारा बंद करके मशीन स्टार्ट करके दिखाता हूँ प्रॉब्लम दूर हुई कि नहीं हुई, क्योंकि इसको दोबारा से डालना कसना कुछ नहीं है, सिर्फ स्पूल डालना है हमने, कैप कस देनी है, पाइप लगा देनी है, वैसे ही खोला था। तो भी देखते हैं तो करके दिखाता हूँ उसको आगे और कैसे मैंने ये प्रॉब्लम पकड़ी गई, इसी में दिक्कत है वो भी बताता हूँ बाद में। दोस्तों जहाँ तक मेरा डाउट है कचरा ही था इसमें किसी कारण से, ये देखो आपको दिख रहा, ये दिखाता हूँ मैं, ये छोटा सा यहाँ जो पड़ा है ये मेटल का कोई पीस है, ये पता नहीं आया कहाँ से है, ये गिर गया नीचे को, ये जो पड़ा है ये इतने से चीज़ से हमारी मशीन रुकी हुई थी। और ये सबसे अच्छी बात ये हुई इसमें, हमने इसको समय पे रोक लिया, चलाई नहीं मशीन, उसी टाइम रोक लिया जब हमें लगा भी दिक्कत है, नहीं तो इस सारे में स्क्रैच डाल देता और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती नई मशीन में। अब इसको हम ढंग से साफ़ करके, और जहाँ पे टूटा था कचरा वहाँ भी मैंने इसको स्मूथ कर दिया है एमरी पेपर से, इसको धो के डीजल से पेट्रोल से दोबारा से हाइड्रोलिक से एक बार फिर मैं इसको लगाऊंगा और फिर देखते हैं इसमें कोई और दिक्कत तो नहीं है। आई होप इसके बाद दिक्कत आएगी नहीं। तो जी कैसे पकड़ी है प्रॉब्लम कि स्पूल चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, पूरी वीडियो देखना नहीं तो नहीं पता लगेगा, और लास्ट वाली वीडियो स्किप करके देखी तो भी नहीं पता लगेगा क्योंकि बीच वाला भी देखना ज़रूरी है। ओके जी। और ये जो बूम का स्पूल है ना, इसके अंदर देखो छेद दिख रहे हैं आपके छोटे छोटे, इसको मैं हिला के दिखाता हूँ, अभी कुछ आवाज़ आएगी देखना ज़रा। इसके अंदर भी एक और स्पूल होता है और वो स्पूल यहाँ से अगर स्प्रिंग को खोलेंगे इसके बीच में से डाला होता है। वो स्पूल का काम क्या है और कैसे काम करता है, किसी दिन फुर्सत मिलेगी तो ज़रूर बताऊँगा सारे स्पूलों के बारे में, आज इतने शॉर्ट करता है। ये खुला होता है इसलिए मैंने बता दिया, इसके अंदर एक और स्पूल होता है छोटा सा, जैसे ये है ना हमारी एलन की इसी टाइप का, लेकिन दूसरा छेद होते हैं उसमें, तो फिर किसी दिन बताऊंगा। अभी दिखाते हैं इसको, हमने पेट्रोल मंगा लिया जी, पेट्रोल से इनको धोते हैं सब चीज़ों को, फिर हाइड्रोलिक से धो के फिर लगाएंगे इसको। अच्छे से थोड़ा धोना है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी बाल बराबर भी कचरा रह गया ना इसमें चलना नहीं है। अभी मैंने दिखाया था कितना छोटा सा कचरा था, बिल्कुल एक तिल नहीं होता खाने वाले जो तिल होते हैं उससे भी छोटा था। और कैसे ये पता लगा मेरे को, अभी इसी में दिक्कत है स्पूल फंसा हुआ है, वो देखने के लिए पूरी वीडियो देखो फिर लास्ट में बताऊंगा मेरे को कैसे पता लगा। ये तो था जी इसका स्पूल, प्रेशर आता है ये ऊपर नीचे चलता है, जहाँ का भी फंक्शन हमने ऊपर का करना है तो नीचे को दबेगा, नीचे का करना है तो ऊपर को दबेगा। और ये था जी इसका यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये इसका होल्डिंग वाल, थोड़ा दिखा नीचे, ये इसका होल्डिंग वाल, अपन ने ये भी खोलना है, अभी ये भी चेक करना है इसके अंदर तो नहीं कोई मेटल मोटल फंस गया जाके, क्योंकि ये एक साथ ही चलते हैं दोनों चीज़ें। ओके जी। तो ये जी होल्डिंग वाल का कैप, कभी भी होल्डिंग वाल या कैप कोई भी खोलना हो ना, बूम आर्म बकेट हमेशा ज़मीन पे होना चाहिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैंने देखे हैं एक्सीडेंट होते हुए औरों के साथ, मैं नहीं चाहता भी किसी के साथ हो। और ये एक्सीडेंट छोटे मोटे नहीं होते, जानलेवा होते हैं, और उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता, इतनी भारी चीज़ को कोई नहीं उठा सकता जब तक मशीन तैयार ना हो। मशीन तैयार कैसे होगी जब सारा कुछ खुला हुआ, तो हमेशा ध्यान रखें बूम आर्म नीचे होना चाहिए ज़मीन पर, बकेट भी, और वो भी इस पोजिशन में, ऐसे ऐसे नहीं,
क्योंकि ऐसे हम रखेंगे कई बार कोई पाइप खोला कुछ भी खोला आपने चीज़ें घूम जाती हैं तो वो भी एक्सीडेंट हो सकता है, हमेशा इस पोजिशन में रखें। ये जो होल्डिंग वाल्व है इसका काम क्या है, जैसे हमने कोई चीज़ उठाई और छोड़ दिया तो ये होल्ड करके रखता है उस टाइम फंक्शन को, और दोबारा से हम लीवर लगाएंगे उस टाइम ये इसको खोल देगा। तो ये इसका काम था होल्डिंग वाल्व का। कैसे ये काम करता है वैसे तो बहुत बड़ी कहानी है होल्डिंग वाल्व के पीछे भी, वो मैं किसी दिन फुर्सत से वीडियो बनाऊंगा कल निकले वाल्व के ऊपर, एमआरवी के ऊपर भी, ओआरवी के ऊपर भी, और ये आपका होल्डिंग वाल्व के ऊपर भी, हर चीज़ के ऊपर बनाएंगे टाइम जैसे आएगा आगे आगे। हर रोज़ में फ्री नहीं होता, काम में बिजी होता हूँ इसलिए हर रोज़ तो नहीं बना सकता। कभी भी ये होल्डिंग वाल्व खोलना है, ये एक पिन निकलती है होल्डिंग वाल्व के कैप में से, इसको जब निकालना है ये वाला जो पोर्शन खोलना है पिन को इसमें डालो हल्के से दबाओ, अगर कोई प्रेशर होगा तो रिलीज़ हो जाएगा, नहीं तो जैसे कैप खोलेगी पक करके प्रेशर बाहर आएगा और नुकसान हो जाएगा। ये होती है जी होल्डिंग वाल्व के अंदर पॉपेट, ये ऐसे बंद होता है जब प्रेशर आएगा तो पॉपेट नीचे को दब जाएगा। क्लोज दिखा, पॉपेट नीचे को दब जाएगा और वाल्व खुल जाएगा, हमारा स्पूल काम करना शुरू कर देता है। इसमें वैसे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मैं फिर भी खोल के देख रहा हूँ क्योंकि कचरा ना हो इसके अंदर। ये होता है इसका पॉपेट, ये सारा जोर बचा के रखता है, इसी के ऊपर के प्रेशर रुकता है, इनमें कचरा होगा तो बाहर निकल आएगा। ये देखो इसमें होल है, इसको मैंने ब्लो कर दिया, मेन काम तो दिक्कत ढूंढने का है, दिक्कत सॉल्व तो कोई भी कर देता बाद में कि दिक्कत है कहाँ पे कैसे है। इनको लगा के सारे को दोबारा से दिखाते हैं तो जी ये था हमारा होल्डिंग वाल्व, होल्डिंग वाल्व का मैंने पॉपेट इसमें डाल दिया, अब यह उसके छोटे छोटे पुर्जे, इनको भी हम इसी के अंदर बैठा देंगे ऐसे सीधा, और उसके बाद ही उसकी कैप जाएगी। इसमें भी हमने स्क्रू मार लेना, इनमें बाल बराबर भी कचरा नहीं होना चाहिए। अगर बाल बराबर भी कचरा रह गया समझो चीज नहीं चलेगी। रोज़ रोज़ हाइड्रोलिक की प्रॉब्लम आती भी नहीं, इसलिए कम वीडियो बन रही हैं, जैसे जैसे दिक्कतें आएंगी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके जी, तो अभी होल्डिंग वाल्व का फंक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ। आवाज़ पता नहीं रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, इसके अंदर भी एक छोटा सा स्पूल है, उसका फंक्शन किसी और दिन बताऊंगा। हर एक स्पूल के अंदर नहीं होता, ये सिर्फ बूम और आरम के अंदर होता है। अब देखो हमारा स्पूल फ्रीली चल रहा है, ऐसे ही चलना चाहिए।
होती है हमारी जी स्पूल की कैप, इसके अंदर ये प्लंजर ऐसे लगा होता है, ये एक साइड से सार्प है, एक साइड से फ्लैट है, जो फ्लैट है वो इसके अंदर होएगा, मतलब ऊपर वाली साइड को फ्लैट होएगा, वो जो सार्प वाला हिस्सा है इधर छोटे इधर लेके बांटते हैं फटाफट, ये होल्डिंग वाल्व में जाके ऐसे बैठेगा जी। तो इसको जब ये प्रेशर आता है ये नीचे को दबाएगा, होल्डिंग वाल्व खुल जाएगा, होल्डिंग वाल्व खुलते ही बूम का जो लोड था, अभी देखा बूम का जो लोड था बूम हवा में था, जैसे प्रेशर आया होल्ड ये पुश किया इसने, होल्डिंग वाल्व खुल गया, सारा का सारा तेल आना जाना शुरू होता है, जैसे स्पूल ऊपर चल रहा है नीचे चल रहा है, पोजीशन के ऊपर है कौन सा फंक्शन लगा है, तो ऐसे होल्डिंग वाल्व काम करता है, ये हमेशा बंद रहता है नॉर्मली। जैसे ही मशीन स्टार्ट हुई आपने लीवर टच किया, होल्डिंग वाल्व खुल जाएगा, तेल का रास्ता खुल गया और आना जाना शुरू। तो इसको लगाने का तरीका अभी दिखाता हूँ मैं आपको, सबसे पहले तो साफ होना चाहिए, इसका जो टेपर वाला हिस्सा है वो नीचे होएगा, नीचे की साइड जाएगा, और जो फ्लैट है वो जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर जाके ये हमेशा इस पर ऐसे उंगली रखें जी, और फिर इसको बैठाएं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, उंगली अपनी हटानी है हमने ताकि ये गिर ना जाए, नहीं तो ये कई बार गिर जाता होता है, पता भी नहीं लगता टेढ़ा हो गया टूट गया। तो अभी इसको मैं क्लोज करके फिर वीडियो दिखाता हूँ, हमें काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी, ठीक है जी। ये बैठ गया हमारा स्पूल, तो इसको अभी हम कस देंगे। तो जी हमने कैप अपनी कस दी है, सारा कुछ साफ करके लगा दिया है, और कचरा क्यों आया था ये तो हम आराम ही जाने, नई मशीन अभी 5 घंटे भी नहीं चली है, आज हो जाता है ऐसा ही कई बार, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है लाइफ में नई मशीनों में दिक्कत आई है। तो जी होल्डिंग वाल्व और ये क्या बोलते हैं प्रॉब्लम कैसे पकड़ी आज हमने, होल्डिंग वाल्व एक तो कैसे काम करता है पहले वो समझाता हूँ। जैसे ही होल्डिंग वाल्व का मतलब क्या है, होल्डिंग वाल्व होल्ड करने वाला वाल्व, बूम और आर्म में होता है ये, भारी चीज़ों में सिर्फ, हल्की चीज़ों के लिए होल्डिंग वाल्व नहीं होता। तो बूम हमने उठाया, हमने हवा में छोड़ना किसी कारण से, तो उसको हवा में रोक के रखे, ये होल्डिंग वाल्व उस टाइम अपना काम करता है। तो जैसे ही हम लीवर से हाथ उठाएंगे, होल्डिंग वाल्व को जो मैंने छोटा सा पॉकेट दिखाया था वो रास्ते में घुस जाता है, तेल को वापस नहीं जाने देगा, तो हमारा तेल हमेशा बंद रहेगा, तो सिलेंडर वहीं के वहीं टिके रहेंगे। अब ये खुलता कैसे चलता कैसे, जैसे ही हम लीवर लगाएंगे एक ही पाइप से कनेक्शन, छोटी इधर दिखा, ये देखो ये पाइप का स्पूल का अपना सॉरी लीवर का कनेक्शन है, लीवर से कनेक्शन यहाँ पे आया, इसी जगह से दूसरे स्पूल में चला गया, मैंने बताया था बूम के 2 स्पूल होते हैं, तो ये सेम ही टाइम अपना स्पूल को नीचे दबाएगा, और ये ही प्रेशर अंदर इसी टाइम ही ना, ये दूसरा पाइप जो लगा हुआ है यही पाइप भी वहीं से आ रहा है, इसी टाइम ये होल्डिंग वाल्व को भी नीचे को पुश कर देगा, उसका रास्ता खुल जाएगा। जैसे ही रास्ता खुला ये जैसे पंप वाला तेल जाना शुरू हुआ, एक्शन के हिसाब से जो भी लीवर लगा रहे हो अपना ये काम करेगा। तो अभी हमारा सारा कुछ हो चुका है जी, हम मशीन करते हैं स्टार्ट, और इसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को हमारी दिक्कत दूर हुई और कि नहीं हुई। ये हमने बहुत ही सही समय पर खोल लिया और चेक कर लिया, नहीं तो खराब। अब कैसे मैंने दिक्कत पकड़ी कि भाई स्पूल ही ख़राब है, तो जब मैंने प्रेशर गेज लगाई थी मशीन वीडियो बनाने से पहले, तो जैसे ही मैंने प्रेशर गेज लगाई, जिसको प्रेशर गेज की नॉलेज है वो पकड़ सकता है कि भाई अगर प्रेशर सही नहीं आ रहा तो दिक्कत कहाँ होगी। तो ये अगली वीडियो में मैं बनाऊँगा कि भाई कौन सी चीज़ का प्रेशर कैसे लेते हैं और कैसे उसको डायग्नोस्ट करेंगे भाई कि यही चीज़ में दिक्कत है कि नहीं है, ठीक है, प्रेशर कैसे लेते हैं प्रॉपरली। तो जब हम सारा काम कर रहे थे हमने नीचे से कैप खोली हुई थी, जैसे सेम ऊपर खोली थी ताकि कचरा नीचे को निकल जाए। तो अब ये हम इसको दोबारा से क्लोज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे अपनी मशीन स्टार्ट, ये हमारा फाइनल स्टेप। ओके जी, ये हमारे छोकरे से मुझे नहीं लग रहा आज लग जाएगा, शायद 2 या 3 दिन तो ज़रूर लेगा ये, तो मेरे को ही लगाना पड़ेगा वीडियो बंद करके। देखते मशीन स्टार्ट, तो अभी क्या बना मशीन का, आ जाओ। वहीं रह तू, अभी देखना जी मैं स्टार्ट करूँ, पहले बूम का फंक्शन काम नहीं कर रहा था, मैंने शुरू में दिखाया था, अब देखते हैं कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे भी नहीं पता, आई होप सब कुछ ठीक हो गया, राम भरोसे।
दोस्तों, पहले हमारा ना बूम उठ रहा था, ना बूम का कोई फंक्शन चल रहा था और सब चीज़ चल रही थी। अब हमारा सारा कुछ ओके है, मस्त चल रहा है। तो कैसी लगी वीडियो, कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आगे भी ऐसी अच्छी वीडियो आएंगी तो बताएंगे उनमें कैसे क्या करते हैं। धन्यवाद आप लोगों का। राम राम भाई।